हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं इडली बनाने जा रही हूँ और आज हमारे नाश्ते में इडली है। तो देखिए इडली बनाने में क्या क्या लगता है सामग्री। और मैंने एक बाउल सूजी लिया हुआ है और इसी बाउल से मैं आधा बाउल दही लूंगी। अगर फ्रेश दही हो तो अच्छा है। ये मेरी 2-3 दिन की दही है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा खट्टापन आएगा इडली में, तो इडली में वैसे भी खट्टापन चाहिए होता है, तो अच्छा बन जाएगा। तो मैंने इस दोनों को मिक्स कर दिया है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और अब इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अभी पानी भी जाएगा, इसके ऊपर बैटर के ऊपर पानी भी लगेगा। तो अभी मैं पानी थोड़ा पानी ऐड करूंगी धीरे धीरे, एक साथ पूरा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि इसका बैटर गीला हो सकता है। तो धीरे धीरे करके पानी इसमें ऐड करूंगी और आधा बाउल दही बहुत है इसमें, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। अगर एक बाउल मैंने इसमें सूजी लिया है तो आधा बाउल इसमें दही पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और वैसे ये इडली 2 तरीके से बनता है, एक मिक्स वेजिटेबल के स्टेप से। पहले वेजिटेबल को छोटे छोटे चॉप करके और उसको जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे बना के, ज़्यादा पकाना नहीं है उसको, फिर इसमें ऐड कर देते हैं उसको और फिर तैयार हो जाता है इडली बनाने के लिए। पर ये मेरा सिंपल तरीका इडली है। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा टाइम है तो इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। जब तक इसका बैटर अच्छा नहीं हो तब तक मैं इसको फैटने वाले से फैटते रहूंगी इसको। और ये देखिए, इसका बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, इसका बैटर अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो उसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और ये मैंने इसको ढका के रख दिया, 5 मिनट के बाद इसको बनाना शुरू करूंगी। इडली को हम स्टीम करेंगे और स्टीम करने के लिए हमने पहले से ही पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये स्टीम अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है तो हम इसके अंदर ये स्टैंड रखेंगे स्टीम करने के लिए। ये स्टैंड रख दिया और फिर ये सांचा है, इसमें हम इडली का बैटर डालेंगे तो इसमें स्टीम हो जाएगा। ये हमने ढक्कन रख दिया। तो ये 5 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे और देखिए ये ऐसे फूल चुका है बैटर इडली का। और इसमें लास्ट बाद में ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, इडली फटी फटी सी बनेगी। और अभी जैसे हम शुरू करते हैं इडली बनाने के लिए तो इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और ये थोड़ा ज़्यादा ठीक हो गया तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ और ये अभी ठीक है। तो अभी ये सांचे हैं, इनमें ऑयल लगा के फिर इसमें भर दूँगी। ये अगर इनमें ऑयल नहीं लगाया तो ये नीचे चिपक जाते हैं इडली। तो अब ये मेरा रेडी हो चुका है और 1 स्पून के हेल्प से इसमें ये भरना शुरू कर दूंगी। ज़्यादा नहीं भरना है नहीं तो ये ऊपर तक फूल जाते हैं। तो ये मैंने भर चुकी हूँ, अब इसको स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। पानी काफ़ी गर्म हो रखा है, ये रख दिया मैंने इसमें, अब इसको स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। तो मैं लगभग 5 मिनट के बाद इसको
इडली को चेक करती हूँ। तो ये इडली बन चुकी है क्योंकि मेरा नाइफ इसमें चिपक नहीं रहा, तो इसका मतलब ये बन चुका है। इसको चेक करने का तरीका यही है कि अगर नाइफ हमारा इडली के आर पार हो गया है तो इसका मतलब इडली बन चुकी है। इसमें टाइमिंग का कोई नहीं, कभी हो सकता 5 मिनट के बाद भी इसमें टाइम लग सकता है। तो इसको तो मेरी इडली बनके रेडी हो चुकी है। और ये रहे मेरी इडली, खूब ये स्पंजी देखो कितनी स्पंजी है ये। तो ये अभी हम सांभर के साथ खाएंगे इडली को। आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है। ये रहा हमारा गर्मा गर्म इडली और सांभर। सांभर मेरे पास पहले से ही था तो सांभर की रेसिपी कभी और दिन बताऊंगी। तो अब हम लेते हैं इडली खाने का मज़ा। हाँ कौन है नीचे, क्या है उनका नाम? तो नाम बिस्ट होंगे तो माँ जी, वहाँ रतनपुर में कौन रहता है बिस्ट? उन्होंने अभी बनाया घर। बिस्ट सनबल को है रतनपुर में, आ तो ना भी बड़े बल घर ना। हाँ पता नहीं। अच्छा, मेरी नई फ्रेंड ये भी बिस्ट है, मिसेस मिसेज गायत्री बिस्ट, गायत्री मंत्र। हाँ, और ये सासू माँ। सासू माँ आज हमारे साथ इवनिंग वॉक कर रही है, तो आज कॉलोनी में ही हो रहा है इवनिंग वॉक। और ये मिसेज बिस्ट भी काफी दिनों के बाद गांव से आई हुई है, दिखाई दे रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये प्रिंस साइकिलिंग कर रहा है। ये अकेला ही छोटा बच्चा है जो यहाँ पे साइकिलिंग करता है, और कोई नहीं है छोटा, सारे इससे बड़े बच्चे हैं। और ये देखिए मिसिस पारुल अग्रवाल, जिसकी फोटो धुंधली धुंधली सी आ रही है। हेलो हेलो, बस ठीक। तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही है, कुट्टू के आटे से क्या हुआ? फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। और पारुल, रेखा को पारुल, आप भैया का नवरात्रि का फास्ट है तो पारुल आपका भी है? नहीं, मैंने कोई फास्ट नहीं रखे है, मेरे मियाँ जी ही रखते हैं और वो ज्यादा काफी खाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार आज इतनी गर्मी पड़ रही है तो उनका कुट्टू खाने की कोई इच्छा नहीं है, अब वो फ्रूट ही खाएंगे। हाँ, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।